हेलो गाइस, आई विश यू हैप्पी न्यू ईयर। एंड आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक छोटा सा मंदिर बना के, जिसे आप देख सकते हैं, ये सेम जिन्हें हम इस तरीके से क्लोज करके रख सकते हैं। ये एक छोटा सा इंट्रो मैंने पहले भी दिया था DBS मूव रोटेट के बारे में, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में खास क्या है कि हम ये एक पूरा मंदिर छोटा सा डेकोर करेंगे, ठीक है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि इसे रेंडर करेंगे। ठीक है, इस साल 2024 में हम जितने भी मॉडल्स बनाएंगे, हम कोशिश करेंगे इस हर एक का रेंडर करने के लिए उसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज की सबसे पहली वीडियो हमारी गणपति जी की, एक छोटा सा मंदिर है। तो चलिए बोलते हैं गणपति बप्पा मोरिया और शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और हाँ, इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करेंगे, मैंने डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दे दिया है, आप अपने मॉडल में उसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक सर्कल लेंगे, ठीक है, जिसका डाया मैं 3 फुट रख रहा हूँ। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके एजेस को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे, मतलब, और तो इसे 48 कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाहर और अंदर हमें एक वो बनाना है, तो 1 इंच यहाँ, 1/8 गैप और 1 इंच एक और सर्कल। ठीक है, सबसे पहले इसका फाइंड सेंटर करेंगे, फाइंड सेंटर, और इसे अब इसे यहाँ से 2 हिस्सों में बांट देंगे। बांटने से क्या होगा कि बाहर का जो हिस्सा है हमारा आउटर सेल बनेगा, और जो दूसरा हिस्सा बनेगा वो हमारा इनर सेल बनेगा। ठीक है, जो डोर के लिए काम आएगा। इस जगह को मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख रहा हूँ ताकि क्लोज जब हो तो ओवरलैप कर सकें। ठीक है, मैं इसे यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ, बीच के गैप को भी इरेज कर देते हैं। ठीक है, और जो ये एक्स्ट्रा है बाहर का, इसे भी रेज कर दिया। अब देखिए होगा क्या, अब देखिए होगा क्या कि जो ये आउटर सेल है वो तो सॉलिड खड़ा रहेगा हमारा, और जो ये इनर एरिया है, इनर जो शेप है, वो इस तरीके से घूमेगा। ठीक है, जिसकी मदद से ये क्लोज हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये हुई, अब रह गया इसके अंदर की चीज़ जो हमें स्टोरेज की तरह यूज़ करनी है। तो स्टोरेज बनाएंगे, एक सर्कल मैं ले लेता हूँ एक और, तो इसे थोड़ा सा कम रखेंगे, 1 फुट 4.75 एंटर। ठीक है, इसके एजेस को भी मैं थोड़ा सॉफ्ट कर लेता हूँ, 24 को 48। ठीक है, इनफ। अब हम क्या करेंगे, इसके सेंटर जितना ही इसे रखेंगे कट करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा स्टोरेज बनेगा, या जिस पे हम अपना काउंटर कह सकते हैं, ये चीज़ बनेगी हमारी। ठीक है, तो मैं इसे 2 फुट ऊपर कर रहा हूँ, 2 फुट भी ज़्यादा है, मैं इसे 6 इंच कम ही कर रहा हूँ। ठीक है, डिपेंड करता है, अगर आपको बैठ कर पूजा करना होता है तो आप इसे नीचे कर सकते हैं, और अगर आप खड़े होके कर सकते हैं तो आप इसे ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, अभी नीचे 1.5 फुट ही हम रखेंगे, इसे इरेज करते हैं। अगर चाहें तो आप इसे पूरा कर देते हैं, खड़ा ही कर देते हैं हम इसे, जिसे हम 30 इंची रखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ऊपर का जो टॉप है अब हमारा स्टोन के लिए काम करेगा एक तरीके से। नीचे के हिस्से में थोड़े कट लगेंगे तो मैं उसे बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये आगे से उठ गया, एंड अब इसे क्या करेंगे, हम डिवाइड कर लेंगे। तो इसे डिवाइड करते हैं, ठीक है, ठीक है, मैं इस तरीके से डिवाइड कर रहा हूँ ताकि जो ये एरिया हो ये नॉर्मल शटर की तरह यूज़ हो, और बीच वाला एरिया हम ड्रॉअर की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
तो मैं इनमें ग्रुप्स क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, ये शटर की तरह रह जाएंगे और ये हमारा ड्रॉअर बन जाएगा, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा चीज़ निकल गई है इसे आपको कट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं रोटेटेड रेक्टेंगल का यूज़ करूँगा सिंपल, ठीक है, इससे एक बार में ये लेयर बन जाएगी और मैं इसे इजीली कट कर पाऊँगा। अगर आप इसे डायरेक्ट इरेज कर देंगे तो वो पूरा कट जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये आउटर हमारे शटर्स के लिए बन जाएंगे नॉर्मल, और बीच वाला मैं ड्रॉअर्स की तरह बना दे रहा हूँ, इसे डिवाइड कर दे रहा हूँ मैं। इसे डिवाइड कर रहा हूँ मैं 3 हिस्सों में, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा तैयार है, हम अपनी फाइल को सेव कर लेते हैं पहले, ठीक है। अब हमने सेव कर लिया तो हम आउटर बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक तो इनर बनेगा, मैं इसकी हाइट 7 फुट रख रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और ये भी हमारा 7 फुट पे जाएगा। इसके ऊपर क्या होगा कि एक टॉप में हम सीलिंग की तरह प्लेन ही यूज़ करेंगे, तो मैं सिंपल इसके 7 फुट हाइट ले जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूँ ऐसे। इसके एजेस को भी स्मूथ करना होगा, तो इसे भी मैं 48 कर दे रहा हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर जो होगा इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये घूमेगा इस तरीके से, बीच की लाइन को हटा देते हैं। अब थोड़ा अगर डेकोर करना है तो आप डेकोर कर सकते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो एक कर्व ले लिया है मैंने, जो कि इसको कॉपी किया है, ठीक है। ये इनर वाला जो हमारा एरिया है इसे मैंने कॉपी किया है, उसके एज को मैंने पहले से एक टेक्स्ट को बना रखा था, जो कि गायत्री मंत्र, उसकी मैंने एक टेक्स्ट बना रखी थी, उसे मैं यहाँ पे इसके पीछे पेस्ट करूँगा, ठीक है। उसके लिए मैं टेक्स्ट को पहले यहाँ ले आता हूँ और साइज़ में छोटा कर लेते हैं इसे ऐसे, ठीक है। अगर मैं इसे चेक करूं, इसका आर्च लेंथ है 4 फुट 7 इंच, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर मैं इसे सिलेक्ट करूं और यहाँ देख सकते हो आप, 4 फुट 7 इंच के आसपास है। तो मैं इसे पूरे में नहीं कवर करूँगा, मैं 3.5 फुट या 3 फुट हम रखते हैं, 3 फुट एंटर, ठीक है। और इसे भी मैं उसी साइज़ में रखता हूँ, ठीक है। मैंने लगभग इसे 3 फुट का कर लिया है। अब इसे क्या करते हैं, थोड़ा सा इसकी डेप्थ को ऐसे कम करते हैं, ठीक है, इसके डेप्थ को कम किया है मैंने। अब आप दो चीज़ें कर सकते हैं, मैं इसे सीधा क्या कर रहा हूँ कि अपने शेप बेंडर की मदद से इसे बेंड करेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे, ठीक है, तो मैं पहले इसे सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन सिलेक्ट की और ये कर्व लाइन, ठीक है। तो ये देखिए ये इस तरीके से हुआ है, लेकिन अब हुआ क्या है कि ये पूरे में कवर हो गया है, मुझे इसे थोड़ा और छोटा करना था, ठीक है। तो मैं फिर से कंट्रोल जेड करता हूँ और इस बार क्या करता हूँ, इसका कर्व जो है हम इसे थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। फाइंड सेंटर किया, इसके कर्व को हम छोटा करते हैं थोड़ा सा, मैं इधर से 22.5 डिग्री कम करता हूँ और इधर से भी, ठीक है।
तो अब जो कर्व है वो थोड़ा छोटा हो गया है, तो अब फिर से हम एक बार इसे सिलेक्ट करते हैं शेप एडिटर की मदद से। ये देखिए ये हमारा बन के यहाँ आ गया है, ठीक है। तो अब मैं सिंपल क्या करूँगा, इसे सिलेक्ट करके और मैं इसे यहाँ पे रख दूँगा, ठीक है। मैं अभी नीचे रख रहा हूँ, फिर इसे मैं खसका के ऊपर कर लूँगा, ठीक है। अब ये देखिए ये थोड़ा बड़ा ज़्यादा हो गया है, इसे मैं थोड़ा सा कम कर ले रहा हूँ, ठीक है, यहीं तक। अब इन दोनों को मैं मेक ग्रुप कर ले रहा हूँ ताकि जब ये सर्कल की तरह घूमे तो साथ के साथ ये भी यहाँ से निकल आए ऐसे, ठीक है। अब मेन चीज़ है इसके अंदर हैंडल्स वगैरह बनाना ताकि हम इसे काम कर सकें। तो सिंपल मैं इसे क्या कर रहा हूँ, ये हमारा हैंडल बनेगा यहाँ पे इनसाइड भी और आउटर के साइड में भी। तो आउटर साइड मैं थोड़ा सा बाहर बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको अंदर की साइड में और बनाने हैं तो आप और भी बना सकते हैं ताकि आपके डिज़ाइन में भी वो आ सके, ठीक है। तो मैं दोनों साइड इस तरीके से बना दे रहा हूँ। अब इससे होगा क्या कि जब ये अंदर की साइड बना रहेगा तो वो सेम सिमेट्री लगेगी, एंड जब ये घूम के बाहर आएगा तो एक तो हैंडल की तरह हमारा वो वर्क करेगा, एंड दूसरी चीज़ बाहर से भी ये सेम उसी तरीके से लगेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो बस अब थोड़े हैंडल्स वगैरह लगाना बाकी है, तो हम हैंडल्स वगैरह लगा लेते हैं। मैं नॉर्मल क्लिक चेंज की मदद से यूज़ करता हूँ और इसे यहाँ लेके यहाँ लगाते हैं और इसे चेंज करते हैं। हम यहाँ पे एक नॉब लगाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये नॉब ठीक है, ये ठीक है, ये होगा। और एक नॉब लेफ्ट और राइट में भी आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो हम इसे कलर अगले उसमें कर लेंगे जब हम इसे रेंडर कर रहे होंगे, ठीक है। तो साथ के साथ हम मटेरियल भी यहाँ ऐड करेंगे, एंड इसमें यहाँ पे हैंडल्स बना लेते हैं, ठीक है। ये है, इसे थोड़ा छोटा बड़ा करना पड़ेगा, इसे यहाँ से करते हैं 3 फुट और नीचे से भी करते हैं 3 फुट, ठीक है। मैंने इसे इतना 3 इंची और रखा है, नीचे से 3 फुट 3 इंच, ठीक है। सेम चीज़ इधर भी कर सकते हैं हम, तो आपको जिधर भी करना हो कोई दिक्कत नहीं है। और एक हम अंदर की साइड भी करेंगे, ठीक है। तीन फुट ऊपर से और नीचे से 3.25 फुट, ठीक है। ये थोड़ा सा अंदर हो जाएगा नॉब और ये नॉब भी अंदर हो जाएगा। तो जब हमें इसे बंद करना होगा हम इसे यहाँ से ऐसे खींचेंगे, तो जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसे यहाँ से खींच के बंद करेंगे, ठीक है। एंड जब ओपन करना होगा हम इसे पकड़ के ओपन करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा बन गया है, ठीक है। बस एक गणपति जी की मूर्ति यहाँ ला के रखते हैं और फिर इसे
एंड करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे गणपति जी यहाँ आ गए हैं और मैंने इन्हें यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। तो ये देखिए, ये सिंपल एक हमारा छोटा सा मंदिर बन के तैयार है और हम इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो रेंडर करते समय हम क्या करेंगे कि इनमें मटेरियल्स डालेंगे, लाइट्स लगाएंगे थोड़े, ठीक है, और इसे फिर देखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।